हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों कल जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीसीएस का, मैं आशा करता हूँ आप सभी का बहुत ही अच्छा हुआ होगा और हमारे वीडियोस से भी आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, स्पेशली करंट अफेयर्स और पॉलिटी के जो कि हमने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर की ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, एक एनालिसिस करेंगे, पूरी एक मैंने बाइफरकेशन बनाई है कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आए गए हैं और उस हिसाब से इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल से हम देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। उसके हिसाब से हम एक मॉडल के हिसाब से मैंने जो बनाने की कोशिश की है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे अराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, नहीं तो कोई बात नहीं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है डायरेक्टली हमारी करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उनमें से पूछे गए थे। तो दोस्तों मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं देना है, मुझे ज़्यादा कंटेंट दे के रख देना, उसको बड़े बड़े वीडियोज़ में बना देना, घंटों घंटों के वीडियोज़ में बना देना, उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है भाई, आपने सारा कंटेंट दिया तो उसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसको समझना और उसके अंदर से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको आपको ढूंढना, वो दिक्कत है। तो मेरा यही रहता है कि मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दूँ, अपने जो वीडियोस हम देखते हैं करंट अफेयर्स में जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि सारा का सारा कंटेंट उठा के देते थे। तो दोस्तों स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क है, तो हम स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, तो उसी के हिसाब से आज देखेंगे हम कि कौन कौन से डायरेक्टली हमारे छोटे 15-15 मिनट के जो करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको देता हूँ उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़े से ही मैं आपको दिखाऊंगा, सारे नहीं दिखाऊंगा। तो यूपी की स्पेशल सीरीज में अभ्युदया स्कीम के बारे में हमने जाना था, ये डायरेक्टली यहीं से पूछा गया है। पीएम वानी के बारे में मैंने अक्टूबर टू दिसंबर सीरीज में आपको बताया था, ये भी डायरेक्टली यहीं से पूछा गया। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होता है ये, इसके स्पेलिंग उसमें गलत थे तो इस पे क्वेश्चन पे कुछ विवाद हो सकता है क्योंकि उसमें VANI लिखा हुआ था, तो इसमें हो सकता है कोई इशू आया, बाद में आंसर के आने के बाद पता चलेगा इसको। नोबल प्राइजेस के बारे में तो हमने डिस्कस करा ही था डिटेल में, ये भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाला डायरेक्टली वहीं से दे रखा है। जून के पुलित्ज़र प्राइजेस में जून की सीरीज में बताया था मैंने आपको। WTO जनरल, ये मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ, ये हरियाणा के PCS में भी पूछा गया था, मैंने आपको जब वीडियो बनाया था तब भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि कौन बनी है फर्स्ट फीमेल, और इस बार जो UPPCS में पूछा गया कि ये कौन सी कंट्री की है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा, छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं हमारे वीडियो में आपको बताइए। रामसर साइट्स आपको UP स्पेशल एडिशन सीरीज में पता ही थी कौन कौन सी हैं, सारी 8 की 8 हमने देखी थी इसके अंदर। इंडिया क्लाइमेट चेंज पोर्टल भी देखा था अक्टूबर टू दिसंबर सीरीज में। फिर हमने सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत मिशन स्कीम्स के अंदर जो हम देखते हैं जनरली अपनी जो क्वार्टरली सीरीज होती है करंट अफेयर्स की, उसमें देखा था। अंटार्कटिका में साइंटिफिक एक्सपीडिशन एक इंडिया ने भेजा था, तो उसके अंदर हमने जाना था कि मैत्री और भारती जो हैं वो इंडिया के प्रेजेंटली वर्किंग स्टेशंस हैं अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली पूछा गया। मोदी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्विन समिट के बारे में हमने जाना था जनवरी मार्च सीरीज में, इसमें भी हमने देखा था इसकी थीम क्या थी, द ग्रेट रीसेट। तो थीम पता होती तो आप ये क्वेश्चन भी आसानी से कर लेते। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, जो कि बहुत अपने छोटी छोटी वीडियोज़ बनाते हैं 15 मिनट की, उसके अंदर से ही ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट वर्क मैं कहूँगा इसे, ना कि पूरा पढ़ना और उसमें से हार्ड वर्क करके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाना, सारा याद ही नहीं रहेगा 8 घंटे का वीडियो देखेंगे तो आप। तो छोटी वीडियोस का ही मेरा रहता है इसके अंदर। तो और दोस्तों पॉलिटी के तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, फैक्चुअल चीज़ें हैं सेम रहती हैं, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है बस वो। अगर आपने किसी और चैनल से भी देखा होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाते। तो मैंने ये 10 क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली अभी हमारी आधी सीरीज जो हुई है पॉलिटी की उसमें से पूछे गए हैं डायरेक्टली, फंडामेंटल ड्यूटीज़, रेडिशल पावर्स, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये सारे के सारे उसमें से डायरेक्टली पूछे गए हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियोज आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एनालिसिस ऑफ द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम कैसा रहा। तो मैंने दोस्तों अपने बेसिस पे अपने हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल को एनालाइज करने की कोशिश की है, सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया है कितने क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा ये इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्टी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है, आपकी अपनी प्रिपरेशन लेवल और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग भी हो सकता है, किसी और बंदे का भी अलग अपने हिसाब से अलग हो सकता है कि उसको कौन सा पार्ट मुश्किल लगा या डिफ़िकल्ट लगा। तो अपने हिसाब से जो मैंने इसको डिवाइड किया, सब्जेक्ट्स तो यही थे, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री,
पॉलिटी के 22 टोटल्स, ज्योग्राफी के 16, 22 करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट 10, इकोनॉमी के 7 क्वेश्चन, साइंस पे बहुत ज़्यादा जोर था इस बारी, 24 क्वेश्चन पूछे गए, 16 यूपी से और 13 मिसलेनियस एंड अदर्स। तो दोस्तों इसमें मैं यही कहूँगा कि बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था सबसे पहले तो, कि हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देने की कोशिश की गई है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखिए चलता ही है, एक दो क्वेश्चन हर में आप वेरी करते हैं पेपर में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए बैलेंस सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छा था, कि किसी भी एक पे ज़्यादा फोकस नहीं था, काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में डिवाइड करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसमें मॉडरेट, इजी और डिफिकल्टी ऑफ द पेपर कैसी रही, इसके बेसिस पे कौन से सब्जेक्ट में क्या। मेरे को सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और कल्चर के जो क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन ऐसे लगे हैं जो कि मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं, कि डिफिकल्ट कैटेगरी में आने चाहिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट रहे मेरे। ऐसे ही करंट अफेयर्स में से भी 11 ऐसे थे जो डिफिकल्ट कैटेगरी में मैं रखूँगा, मैंने करे नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन वो जो कैटेगरी थी वो मेरे हिसाब से क्या है, 11 ऐसे हैं जो डिफिकल्ट। सबसे आसान की बात करें तो पॉलिटी मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन इसमें आसान कैटेगरी में रखे मैंने। एनवायरमेंट पूरा ही आसान था, 10 में से 8 क्वेश्चन इजी कैटेगरी के हैं। ठीक है, साइंस में भी 50% साइंस ऐसी थी जो बहुत ही आसान थी, डायरेक्टली आप लूसेंट देख लीजिए या कोई भी आप जो जनरल बुक आप देखते हैं जनरल नॉलेज की, साइंस की आप उठाएंगे तो उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं साइंस के कुछ, तो 11 ऐसे क्वेश्चन हैं बहुत ईजी कैटेगरी में। अब आते हैं हम ओवरऑल डिफिकल्टी पे, देखिए पेपर की, तो 45 क्वेश्चन मेरे इजी कैटेगरी के रखे हैं मैंने, 47 मॉडरेट और 58 जो है वो डिफिकल्ट कैटेगरी में। तो इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो पेपर का लेवल है वो इतना आसान नहीं है जितना लोग पेपर देने के बाद कह रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में है, ना कि ईजी टू मॉडरेट। पहले लोग कह रहे थे ईजी टू मॉडरेट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये ईजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, लीनिंग टुवर्ड्स डिफिकल्ट, क्योंकि 58 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट, यानी 2/3 से ज़्यादा पेपर आपका डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर मैं रखूँगा इसके अंदर। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी, लीनिंग टुवर्ड्स डिफिकल्ट, ये एनालिसिस है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हमें ये चीज़ पता है तो मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चन अगर इजी हैं, अगर आप इजी क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर लीजिए या 90% भी कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से मैं सारे करूँगा इजी क्वेश्चन हैं क्योंकि मेरे को वो आते हैं। तो 90% एक्यूरेसी से मैं अगर वो कर पा रहा हूँ, 90 से 100% भी हो सकती है, किसी और बच्चे की 100% भी हो सकती है, पर ऑन एन एवरेज मैं मान रहा हूँ कि 90% लोगों ने सही करे हैं, तो 40 इसमें सही करे होंगे और नेट क्वेश्चन इसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग के बाद बनते हैं 38। इसी तरह से मॉडरेट में मैंने कहा है कि अगर मॉडरेट क्वेश्चन 47 थे तो अगर आपने 35 भी किए हैं 75% एक्यूरेसी से किए हैं तो इसके अंदर आपके नेट क्वेश्चन 23 बनते हैं, और डिफिकल्ट अगर 58 है इसमें से अगर आप 40 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन है तो आप छोड़ने की सोचेंगे पहले राउंड में, लेकिन जब दूसरे तीसरे राउंड की आप जब पेपर करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि कट ऑफ आप नहीं अचीव कर पाएंगे क्योंकि आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप अटैम्प्ट बढ़ाने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो 40 क्वेश्चन आप डिफिकल्ट के मान के चलिए कि आपने करे होंगे, इसमें से 60% एक्यूरेसी से भी करे होंगे, क्योंकि मैं 50-50 मान सकता हूँ, पर 60 थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है, आप एलिमिनेट कर लेते हैं दो ऑप्शन, तो उस हिसाब से 60% एक्यूरेसी से 19 क्वेश्चन नेट इसमें आपके बनने चाहिए थे। तो ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से नेट 80 के आसपास ये आप इसमें अटेम्प्ट करने चाहिए थे, आपको जो नेट बनने चाहिए आपके। ठीक है, और गुड अटेम्प्ट 120 इसके अंदर रहेंगे 120-125 आपने करें तो अच्छी अटेम्प्ट मानी जाएगी। नेट क्वेश्चंस 80 और नेट मार्क्स 107 से 110 के करीब रहेंगे, तो ये मेरी एक्सपेक्टेड एनालिसिस है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा अटेम्प्ट भी कर देते हैं, ठीक है, कि हम कट ऑफ नहीं अचीव कर पा रहे हैं या कुछ पढ़ के नहीं आए, तुक्के मार देते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं उनको भी अकाउंट कर लूँ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कट ऑफ इसके अंदर 83 जानी चाहिए मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए। 83 प्लस माइनस 2 है, प्लस 2 भी हो सकता है, 85 हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम रहेंगे मेरे हिसाब से। इसके अंदर 83 से नीचे ज़रूर जा सकती है, ऊपर जाने के चांस बहुत कम है, लेकिन 85 आप मैक्सिमम मान के चलिए। अगर आपके नेट क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये कम कट ऑफ है तो मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है आपको कम कट ऑफ देने का, क्योंकि मैंने कोई आपको मेंस की सीरीज नहीं बेचनी है, तो मेरे लिए ये जो मैं आपको ऑनेस्ट अपने हिसाब से मेरे को लगता है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही बताऊँगा, और ये भी नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो सकता है ज़्यादा भी जाए या कम भी जाए, लेकिन ये मेरे हिसाब से है, किसी और के हिसाब से एक्सपेक्टेड अलग हो सकती है, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। तो 83 प्लस माइनस 2 मैं रखूँगा,
जनरल की, ओबीसी की भी अराउंड इतनी रहेगी, एक आधा क्वेश्चन कम कर लीजिए इसमें से। फीमेल के लिए 79 प्लस माइनस 2 रखूंगा, 76 प्लस माइनस 2 एससी की, और एसटी की रखूंगा 71 प्लस माइनस 2। तो दोस्तों यही जानी चाहिए कट ऑफ मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चंस के हिसाब से जो नेट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ठीक है। मार्क्स आप इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मार्क्स आ जाएंगे आपके, तो उतने मार्क्स बन रहे हैं। तो 110 या 115 मैं कहूँगा आपका मैक्सिमम जाना चाहिए, मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो मेंस की तैयारी आप डेफिनेटली लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस वीडियो, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी देखा और एनालिसिस भी किए कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूसली आपकी हेल्प करते रहेंगे आगे आने वाले पेपर्स में भी। दोस्तों यदि नए हैं आप चैनल पे, अब तक वीडियो देख लिया तो पसंद ज़रूर आया होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एज वही एक हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड है इतनी मेहनत करने का आपके साथ। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, यही एक रिवॉर्ड होगा हमारा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और एग्जाम सीजन चल रहा है, अपनी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखिए।